इस वन ब्लॉक से मुझे पूरी टेरिटरी बनानी है, वो भी सिर्फ 15 दिनों के अंदर अंदर, वो भी ज्यादा से ज्यादा 1200 ब्लॉक से। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 15 डेज ऑन अ वन ब्लॉक? इसमें चैलेंज, रूल्स और भी बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता। और इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और पहली बार ऐसा कोई प्रोजेक्ट ट्राई किया है, तो आप फुल एंजॉय करो इस वीडियो को। मैं चलता हूँ दोस्त। तो अपने रॉयल एंट्री के साथ मैं शुरुआत कर देता हूँ अपने 15 डेज की जर्नी, वो भी मजदूरी के साथ। तो 5th ब्लॉक माइन करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसमें 5 गोल्डन कैरेट, 17 ब्रेड और कुछ लकड़ियाँ और एक मैनुअल मिल जाता है। और मेरा अकेलापन दूर करने के लिए एक शिप भी स्पॉन हो जाती है, जिसके लिए प्लेटफॉर्म एक्सटेंड करना बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट था, वो मैं कर ही रहा हूँ। बट मेरी मेहनत सारी वेस्ट हो जाती है, भिंडी साली घुसट पहले नहीं मर सकती थी। मैं बड़े सदमे में था, लेकिन मेरे फर्स्ट लेवल स्टार्ट हो चुकी थी। मैं घपा गप मेहनत मजदूरी कर रहा था। साथ YouTube का मैं सस्ता मोटिवेशन देखकर पगला गया हूँ, सब्सक्राइब करूँ ताकि मेरे अंदर उर्फी जितना बड़ा मोटिवेशन आ सके। के साथ अपने प्लेटफॉर्म को भी एक्सटेंड कर रहा था थोड़े से यूनिक स्टाइल में। एक स्टैक ब्लॉक माइन करने के बाद मेरे साथ एक हीरो ब्राइन SMP की मेंबर स्पॉन हो जाती है, जो कि हीरो ब्राइन की वजह से अपना असली अवतार भूल चुकी थी। इतने प्यारे से काव के लिए मैं अपना प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, जो शायद इतना जरूरी नहीं थी क्योंकि ये एक ही गाय थी। अभी टाइम था नूप मजदूर से प्रो मजदूर बनने का, लेकिन इसके लिए मेरे पास टूल्स वगैरह नहीं थे। क्राफ्टिंग टेबल को क्राफ्ट करके उसमें से एक एक्स बना लेता हूँ। अपनी पहली रात हो चुकी थी, लेकिन मुझे इस रात में बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे जो मुझे बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे थे। लेकिन मुझे इस चेस्ट में बहुत घटिया सा सामान मिला था, दैट आई स्टोर्ड इन अ चेस्ट। मुझे नहीं पता सही है या गलत, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना क्योंकि मैंने सिर्फ मजदूरी ही की है रात रात भर और अपने प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड किया है, जिसके लिए मैंने काफी मेहनत, काफी प्लानिंग और सोच समझ के डिसीजन लिए है। एक और मुझे चेस्ट मिलती है जिसमें 3 गाजर, 3 बटाटे और 3 एप्पल और एक सैपलिंग मिलती है, जो कि बहुत घटिया चीज है। कुछ बीच के क्लिप्स करप्ट हो चुकी है, सो आपको मैं दिखा नहीं सकता वो पार्ट्स। और पशुपालन करते करते मेरे पास हो जाती है 2 शिप, जिनको मैं आपस में थोड़ा सा कुछ तो करवा देता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वीट खाने के बाद इतना सारा इनके अंदर जोश आ जाएगा। मैं बहुत टाइम मजदूरी कर रहा था और तभी मेरे साथ एक अच्छी चीज हो जाती है जिसमें मुझे डर्ट और सैपलिंग मिल जाती है, जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी। डर्ट ब्लॉक मेरे काम का बहुत था। और फिर मैंने जो प्लेटफॉर्म बिल्ड किया था उसके ऊपर मॉब स्पॉन हो रहे, तो इसीलिए मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ पूरी तरीके से, ताकि कोई मॉब आ ना सके मेरे पास। और शिप को ब्रीड करते करते एक और स्पॉन हो चुका था, तो अभी मैं इनको मार सकता था इन शिप्स को, ताकि मैं उससे बेड क्राफ्ट कर सकूं। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चालू कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मतलब कि मैं बार्न हाउस बिल्ड कर रहा था, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो अपने एनिमल्स की वजह से। इसके लिए मेरे दिमाग में कुछ खास डिजाइन वैसे तो था नहीं, मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी बना रहा था। और यहाँ पर मैं मर चुका था, मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया था, लेकिन किसने ये मुझे नहीं पता था। अभी मुझे सब कुछ फिर से स्टार्ट करना था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ क्राफ्ट तो करता नहीं हूँ, सिर्फ एक ही एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ और फिर से लग जाता हूँ मजदूरी के काम पर। यहाँ पे मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, और वो बड़ी प्रॉब्लम थी ये बारिश, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉब स्पॉन हो सकते थे। अभी मेरी लेवल अपग्रेड होने वाली थी क्योंकि मैंने 400 ब्लॉक्स को माइन कर रखा था। ये थी 2nd लेवल, मतलब कि केव्स वाली लेवल। इसमें मुझे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना था क्योंकि इसमें मॉब्स वगैरह स्पॉन होने ही वाले हैं, साथ ही साथ मुझे स्टोन वगैरह भी मिल सकता है। इस लेवल में मॉब्स वगैरह बहुत ज्यादा ही स्पॉन होने वाले थे, इसी वजह से मैं अपने वन ब्लॉक को बहुत सिक्योर्ड कर लेता हूँ, उसको 3-4 साइड से ढक देता हूँ पूरी तरीके से। और ये टेक्निक से मैं अपने बेस को भी सेफ रख सकता हूँ। थोड़ी देर माइन करते करते मुझे कोल भी मिल जाते है, जिससे मैं अपनी टॉर्च क्राफ्ट कर सकता था, क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था। मेरे एनिमल्स मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, प्लस यहाँ पर मेरा पहला स्केलेटन स्पॉन हो चुका था, जिसको देखकर मैं खुश हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो सिक्योरिटी के नाम पर बिल्ड किया था वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा था। अभी बस मैं शिफ्ट होने वाला हूँ स्टोन के टूल्स पर, क्योंकि वुडन के टूल्स बहुत ज्यादा बेकार होते हैं, आपको तो पता ही है। और एक और चेस्ट में एरो और शूज मिलते हैं, जो कि किसी काम के नहीं थे बाय द वे। और यहाँ पर प्यार से एक्सोलोटल स्पॉन होती है, जिसको मुझे टेम कैसे करना है वो भी नहीं पता था। मैं इसको गलती से 2-4 हिट कर देता हूँ, और फिर इसके लिए एक अलग से एक जगह बना रहा हूँ।
होता हूँ क्योंकि ये कहीं पर जा ना सके इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि अगर ये नीचे गिर गई तो ये जिंदा नहीं बच सकती। लेकिन फुल सावधानी के साथ और इसको सेफ रखने के साथ मैंने इसको फुल्ली पैक कर दिया था, अभी ये सेफ रह सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको पानी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। और इसके बाद मैंने जो अपने प्लेटफॉर्म पर एक अकेला पेड़ को प्लांट किया था उसको मैं चॉप कर डालता हूँ क्योंकि ये एक अकेला अजीब लग रहा था। और इसके बाद मैं अपनी थोड़ी प्रोग्रेस दिखाने जा रहा था, बट ऐसा हो जाता है मैंने जो बार्न हाउस के लिए प्लेटफॉर्म बिल्ड किया था उसके ऊपर मैं अभी फेंसिंग कर रहा था क्योंकि मुझे एनिमल्स को जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आना था क्योंकि मेन आइलैंड पर ये मुझे बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे थे। आप देख ही सकते हो कि कितने सारे हो चुके थे, साथ ही साथ ये वॉन्डरिंग ट्रेडर वगैरह भी स्पॉन हुआ था, वो भी दो दो जिनका कुछ फायदा तो होता नहीं है। और अभी टाइम था मेरे एनिमल्स को यहाँ पर लेकर आने का, इसीलिए मैं वीट लेके बहुत सावधानी से उनको मैं अपने बान के अंदर लेकर आता हूँ। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम थी, मुझे जो अपने मेन आइलैंड पर जितने ये एनिमल्स दिख रहे थे उससे कम है ये बहुत ज्यादा। इसके बाद मैंने जो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर गंदगी की थी उसको मैं साफ सफाई कर देता हूँ और मेरे पास कुछ सैपलिंग्स थे उनको भी मैं प्लांट कर देता हूँ जो कि मैंने एक नया प्लेटफॉर्म बिल्ड किया था उसके ऊपर। इसके बाद मैं ऐसे काम कर रहा था जिसमें मुझे 13 ब्रेड और एक बो मिली थी और माइन करते करते बीच में मॉब्स वगैरह स्पॉन होते थे, लेकिन मेरे सिक्योरिटी की वजह से इतनी मुझे परेशानी नहीं होती थी। और अभी मैंने टोटल 578 को ब्लॉक्स को माइन कर रखा था, तो 22 ब्लॉक्स के बाद मुझे एक चेस्ट मिलने वाली थी, स्पेशल चेस्ट जिसमें इतने सारे आइटम्स मुझे, जिसमें खाने पीने की चीजें और लावा और फर्नेस और एक आयरन की पिकेक्स जो कि एंचेंटेड थी एफिशिएंसी 1 के साथ, जो मुझे आगे जाके बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है। तो सब कुछ भूल के मैं वापस से मजदूरी करने लग जाता हूँ क्योंकि यही अपना काम है। और अभी मुझे सबसे यूनिक चेस्ट मिलती है जिसमें ग्लोबेरीज, रेल, नेम टैग और चारकोल वगैरह था। और मेरे जो इन्वेंटरी में कचरा था उसको मैं चेस्ट में डालकर अपनी इन्वेंटरी को साफ सुथरा रख के चेस्ट को खराब कर देता हूँ। और यहाँ पर फिर से एक बार एक्सोलोटल स्पॉन हो चुकी है जो कि मुझे नहीं पता कि कैसे जिंदा रहती है। अभी मैं उस एक्सोलोटल के लिए एक स्पेशल बिल्ड करने वाला हूँ, तो इसकी वजह से मैं अपनी इन्वेंटरी को सारी एम्प्टी कर देता हूँ। मैं पानी की मदद से एक्सोलोटल के लिए एक सिंपल सी लेकिन बहुत ज्यादा घटिया बिल्ड उसके लिए बना रहा था क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस की लिटरली बहुत कमी थी, जिसको ऑफकोर्स मैं फ्यूचर में ब्यूटीफुल बनाने वाला हूँ, बट अभी जो मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल थे उससे मैं ये बिल्ड कंप्लीट करके कभी उसको लगती तो कभी चिकन को लगती, बट मेरी एक गलती की वजह से ये और ज्यादा ही दूर चली गई थी। अभी मेरा मेन टारगेट था इसको कुछ भी करके सेफ रखना क्योंकि अभी ये मर गई तो मेरा मन उतर जाता, लेकिन शायद किसी को पसंद नहीं है कि मैं ऐसे एनिमल्स को टेम वगैरह कर सकूं, तो इसकी वजह से इसने सुसाइड कर लिया। एग्जैक्टली मैंने 800 ब्लॉक्स को माइन करके अभी मैं नेक्स्ट लेवल पर भी अपग्रेड होने वाला, मतलब कि अपडेट होने वाला हूँ। तो लेवल अपडेट होने में अभी भी 30 सेकंड बाकी थे, तो मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसीलिए मैं अपने ट्रीज को चॉप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं जिनको मैंने कुछ टाइम पहले प्लांट कर दिया था। और मुझे एक बात अभी पता चली है कि हम जो ट्रीज को चॉप करते हैं उसको ये ब्लॉक काउंटर काउंट नहीं करता है। और अभी लेवल 3 यानी डीप के उसकी लेवल मेरी स्टार्ट हो चुकी है जिसमें क्रीपर स्केलेटन वगैरह बहुत स्पॉन होने वाले हैं। लास्ट टाइम मैं जब मर गया था तो उसके चक्कर में मैंने वूल को भी लॉस्ट कर दिया था, बट मेरे पास अभी 2 शिप तो है तो उसको मारकर मैं वूल को कलेक्ट कर लेता हूँ, जिसका यूज क्या करूंगा मुझे नहीं पता। बट यहाँ पर माइन करते करते मुझे एक अजीब सी चीज मिलती है जो कि अगर आपको पता है तो अभी के अभी कमेंट करो, बट मैं इसको जब थोड़ी देर के बाद चेक करता हूँ तो ये था वार्डन का जिसका नाम मैं भूल गया, बट एनीवेज। और यहाँ पर एक और क्रीपर स्पॉन हो चुका था जो कि गलती से बाहर भी आ सकता था मेरी उसको मारने के चक्कर में, बट एनीवेज ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मुझे डैमेज पड़ा और कुछ नहीं। और यहाँ पर एक और एक्सोलोटल स्पॉन हो चुकी थी लेकिन ये उस कमरे में जा ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों इसके प्रॉब्लम क्या थी, बट मैं कुछ भी जुगाड़ लगा के इसको फाइनली भेज ही देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसको जिंदा रखूँ तो रखूँ कैसे, मुझे कुछ भी नहीं पता कि इसको जिंदा कैसे रखते हैं और ये सर्वाइव कैसे करती है। और अभी की जो ये एक्सोलोटल थी ये बहुत ज्यादा ही बदसूरत दिख रही थी, तो मैं चाहता था कि ये मरी जाए, बट थोड़ी देर के बाद मुझे एक और चेस्ट मिलती है जिसमें फॉर्चून 1 की बुक मिलती है एंचेंटेड। यहाँ पर मैं एक और बार ही मरने वाला था क्योंकि मेरी हेल्थ भी कम थी और एक लूट के चक्कर में मुझे ज़ॉम्बी पीछे से मारकर चला भी जाता है और मैं मर भी जाता हूँ। और अभी मुझे ये चिंता थी कि
मेरा जो सामान था वो कहीं डिस्पोज में गिरा या फिर गलती से नीचे ना गिरा हो, लेकिन यहाँ पर मेरा सभी सामान सलामत था, जो कि मेरे इन्वेंटरी में कुछ तो सामान आ ही नहीं रहा था, जो कि शायद से एक बग था। और जो इम्पोर्टेंट सामान था जैसे कि प्लैंक्स, वुड्स एटसेट्रा, ये तो मेरी इन्वेंटरी में आ ही नहीं रहा था। और शायद से डर्ट भी यहाँ पर है। चेस्ट में मिला आयरन को मैं फर्नेस में डालता हूँ ताकि वो स्मेल्ट होके आयरन में कन्वर्ट हो सके। अभी इसकी क्लिप मेरे पास जो थी वो करप्ट हो चुकी है। अभी मेरे पास जो आयरन थी उससे मैं एक पिकेक्स, एक एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है वन ब्लॉक में। शावल इतनी तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद मुझे सेम चेस्ट मिलती है जिसमें डायमंड, गोल्ड, लैपिस एटसेट्रा एटसेट्रा के ब्लॉक्स थे, जो कि मेरे लिटरली बहुत ज्यादा ही काम के है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी डायमंड को ऑब्टेन कर लूंगा। और मेरी फैमिली में एक और एनिमल ऐड हो चुका था जो कि थी गॉट, और ये गॉट बहुत बड़ी ऊंची ऊंची जंप कर सकती है, जिसकी वजह से मैं इसको कहीं पर कैद भी नहीं कर सकता था। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, इसको ऐसे ही खुला रखना। थोड़ी देर के बाद मैं एक और बार मजदूरी करना चालू कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से, मतलब कि ब्लॉक्स की जगह वुड्स को चॉप करना, क्योंकि मुझे प्लैंक्स की बहुत ज्यादा ही जरूरत थी, क्योंकि मुझे बेड क्राफ्ट करना था। और हाँ, मैं बहुत टाइम के बाद जाके बेड को क्राफ्ट कर लेता हूँ। सारे रिसोर्सेस होने के बाद भी मैंने इतना टाइम क्यों लिया मुझे नहीं पता, बट फाइनली मैं सो जाता हूँ। मैंने जो ट्रीज को चॉप किया था उससे एप्पल, सैपलिंग, स्टिक वगैरह नीचे गिरे थे, तो उसी को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। और थोड़ी देर के बाद मुझे वही चेस्ट मिलती है, बट अभी थोड़ा सा कुछ अलग था, जिसमें डीप स्लेट के सब ओर्स थे, एमरल्ड को छोड़ के बाकी सारे यूजलेस है, और हाँ कोल को भी। इन सारे ब्लॉक्स से मुझे एक्सपी मिल सकती है, तो इसी वजह से मैंने इनको फर्नेंस में डाल के स्मेल्ट नहीं किया, मैन्युअली इनको ब्रेक करना चालू कर दिया, ताकि फ्यूचर में एंचेंटमेंट के लिए कोई दिक्कत ना आए। इस चेस्ट में मुझे बहुत खतरनाक आइटम मिला है, वार्डन को स्पॉन करने वाला एग, जिसका यूज क्या करूंगा मुझे कुछ नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना। और ऐसे ही काम करते करते एक और बारी रात हो चुकी थी, तो मैं सो गया। और अभी मैं इम्पोर्टेंट काम करने वाला था, जो कि था चेस्ट में जितना भी सामान था उसको सॉर्ट करना, जिसके लिए मेरा एक फुल डे वेस्ट हो गया था, लेकिन मैंने सारा का सारा सामान सॉर्ट आउट कर लिया था। अभी ऐसे चेस्ट को देखने में बहुत मजा आ रहा था, जो कि मुझे इस चेस्ट को फ्यूचर में हटाना भी है वहां से, क्योंकि थंबनेल में ये बहुत ज्यादा गंदी दिखेगी। तो इस सिंगल चेस्ट में मैंने अपने कुछ हथियार और इंगट वगैरह रखे थे, और ये एम्प्टी चेस्ट थी, तो मैंने ऐसे कुछ भी रख दिया इसमें। और इस चेस्ट में सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और इस चेस्ट में वुड्स वगैरह है, जो कि मैंने इधर उधर रखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे पास इनफ आयरन इकट्ठा हो चुका था, और साथ ही साथ डायमंड भी थे, तो आयरन से मैं आर्मर क्राफ्ट करने वाला हूँ, और डायमंड से टूल्स, क्योंकि मेरे पास डायमंड बहुत कम है। यहाँ पर मैं पूरा का पूरा कवर अप हो चुका था आयरन के आर्मर से, जो कि इस वीडियो का मेन मोटिव था। मुझे नहीं पता था कि मैं डायमंड्स वगैरह क्राफ्ट कर लूंगा, और डायमंड से मैं मेन मेन चीजें ही बना लेता हूँ, जैसे कि एक्स, पिकेक्स और सोर्ड, ये मेन आइटम है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर अपनी 15 डेज की जर्नी खत्म होती है। और हाँ, मैंने बीच बीच के कुछ आपको क्लिप्स दिखाए नहीं है, जो कि आपने थंबनेल में देखे हैं, क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग थी वो करप्ट हो चुकी है। आई होप करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखना। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।